गाजा के जिन इलाकों में इजरायली फौज ने हमास के लड़ाकों का सफाया किया था, अब एक बार फिर से उन इलाकों में हमास की मजबूत पकड़ बनती जा रही है। जैसे जैसे इजरायली सेना गाजा की अलग अलग जगहों को हमास से मुक्त करा के आगे बढ़ती है, वैसे ही उन इलाकों में दोबारा हमास का कब्जा हो जाता है और ये लड़ाके इजरायली सेना पर बेहद ही चालाकी से गोरेला स्टाइल में हमला कर रहे हैं, जिससे IDF को भारी जानमाल का नुकसान हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजा के रफा की, जो अभी भी हमास का एक अभेद किला बना हुआ है। और नेटजरीम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर हमास के लड़ाकों ने IDF पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिनमें इजरायली सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। इसको लेकर हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने तलल हवा में घुसने की कोशिश कर रहे इजरायली सैनिकों पर भारी बमबारी की है। इसके अलावा नेटजरी मैक्सिस में IDF के कमांड सेंटर पर शॉर्ट रेंज मिसाइलें दागी हैं। वहीं दक्षिण पश्चिमी गाजा में इजरायली सेना दोबारा घुसने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में पश्चिमी रफा में अल कासिम ब्रिगेड की IDF के साथ सीधी भिड़ंत हुई है, जिस दौरान अल कासिम ने IDF के ऊपर कई राउंड गोला बारूद बरसाया है। अल कासिम का कहना है कि उसने पहले इजरायली सेना को मॉनिटर किया, जो राहत सामग्री के ट्रकों के भीतर छुपे हुए थे, और जब ये ट्रक इलाके में घुसा तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया। वहीं अलकुज ब्रिगेड ने तो पूर्वी रफा का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अलकुज के लड़ाके IDF के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हुए दिख रहे हैं। अलकुज के लड़ाके पहले तो हरियाली के बीच लॉन्चर लगाते हैं और फिर उसमें रॉकेट भरकर दनादन फायर कर देते हैं। आपको बता दें कि इस हमले के अलावा अलकुज ब्रिगेड ने रफा के गेट के पास IDF के ऊपर कई गोले दागने का दावा किया है। अलकुज का कहना है कि उसने अलाबद जब्र, अलतुमा और अलसी टावर, जो दक्षिण यबना कैंप में है, वहां पर IDF के ऊपर 60 mm के गोले दागे हैं। इसके अलावा नेटजरी मैक्सिस में अबू ओरेबन साइट पर IDF के कमांड सेंटर पर हमला किया गया है। यहां पर अलकुज ने अबाबिल विस्फोटक और हैवी कैलिबर मोटर गोलों से IDF के ऊपर अटैक किया है। अलकुज ने नेटजरीम अटैक का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अलकुज के लड़ाके कई राउंड रॉकेट फायर करते हुए दिख रहे हैं। इनमें से कई रॉकेट रात के अंधेरे में फायर किए जा रहे हैं। वहीं अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने अंसार ब्रिगेड और उमर अल कासम फोर्स के साथ मिलकर एक हमला किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दूर से गुजर रहे IDF के सैन्य वाहन पर हमास के लड़ाके लॉन्चर से रॉकेट फायर कर रहे हैं।